ये क्या है? ये कौन सी गुल्लक है? हेल्प नीडी चिल्ड्रन। ये कॉइन तो पड़े, अपन भी डाल देते हैं। काट लो, मेरे को होने हैं। भाई गुड मॉर्निंग भाई सबको। वो वैट वैट वाला हो गया था यार, एक अपडेट है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक वाला सिक्योरिटी चेकिंग से पहले होगा। अगर आपके पास ज्वेलरी है तो वो होगा इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, वो देखेंगे आपको, आइटम दिखानी पड़ेंगे आप। तो अगर तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान है वो पहले हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई ज्वेलरी इफ़ यू आर कैरिंग, तो इमिग्रेशन करके, इमिग्रेशन बहुत आसान है यहाँ पे, मतलब कुछ भी नहीं था, फ़ोटो खींची वो था कुछ, तो उनका कंसोल की ऑस था, बस डन हो गया, कुछ नहीं देखा ना पूछा। और देन उसके बाद राइट साइड को है इनका, तो वहाँ पे जाके आप अपना ज्वेलरी अगर है आपके पास तो वहाँ पे दिखा दीजिए। और बैंक डिटेल्स देने का ऐसा है कि कोई भी कार्ड है आपकी कंट्री का, डेबिट है चाहे क्रेडिट है, बस कार्ड, उस कार्ड नंबर चाहिए, उसको कार्ड नंबर चाहिए, एक्सपायरी डेट चाहिए, कोई बैंक डिटेल्स ऐसे आईएफएससी कोड अगर आप सोच रहे हैं। दुबई का कार्ड नहीं होना चाहिए, आपकी कंट्री का वो होना चाहिए, चाहे क्रेडिट कार्ड है चाहे सेविंग डेबिट कार्ड है, तो उसमें अकाउंट खुलता है। ये बड़ी सही है यार, वो बस ही याद आ जाता है मुझे, मुझे नहीं पता था दोनों तरफ से खुलती है। छोटे छोटे सुख जो दुनियावी हैं, ये पता नहीं बैंगलोर है कि नहीं है, नहीं है शायद, कस्टम छोटा सा तो है वो, ये ड्यूटी फ्री वाला, बट ये अब मज़ा है फालतू में, ये बड़ा वेट हो जाता है इसका। अभी घूमते हैं, बहुत कम रेट देखेंगे, पड़ी रहे कोई बात नहीं, बाकी जो बची कुची है यहाँ पे उड़ा देते हैं, क्या जाएगा, जहाँ पे इतना उड़ गया ये भी क्या पड़के करेगी हमारे पास। बाकी देखते हैं, C3 है गेट हमारा, बस ये एरो ही देखते जा रहे हैं, C1 to C50 इधर गोल गोल घुमा के फिर दोबारा से ले आते हैं। अब ये पता नहीं कहाँ पे ले जाएंगे हमें, नीचे ना ले जाए, देखते हैं। बल्गरी वाला नकली स्कार्फ लेके आए हो यहाँ पे बेचारे, वो 10,000 के बेच रहे हैं, आप पैसे ले आए। Thank you.
Thank you.